कोई ऐसा अंदोलन तुसीं दुनिया च किते वेख्या होवे। 50 लाख बंदा इकट्ठा होया होवे ते उत्थे कि झरीट ना पई होवे, गवर्नमेंट की बिल्डिंग की एक इट ना टुटी होवे, गवर्नमेंट के बस की एक झरीट ना पई होवे, गवर्नमेंट दी ट्रेनां दे शीशे ना टुटिया होवे, एक ऐसा अंदोलन है। पानियां दे रौले पा पा के पता नहीं की रौले पा के सानू अलग करके रखिया, अज पता लग्या कि असीं तां इक्को ही आ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आ गए दिल्ली सारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आ गए दिल्ली सारे, नी तेरी हार यकीनी है नी सुन लै दिल्ली दी ए सरकारे, साडी जित यकीनी है नी सुन लै तू गंदी ए सरकारे। कित्थों आया हो जी? जी मैं खन्ने तो आया, पंजाब तो। ये इतिहास कहिंदा मैं नहीं कहिंदा, क्योंकि जिस कौम का इतिहास जिउंदा उही कौम जिउंदियां रहिंदियां ने। अज जो कौम इत्थे धरना ला के बैठी हुई है, चाहे वह मुसलमान ने, चाहे वह हिंदू ने, चाहे वह सिख ने, चाहे ईसाई ने, अज वो लोग ने जिन्हां ने अपनी कौम को जिंदा रख्या होया, अज वो लोग ने जिहड़ी अपनी कौम को कदे भुला नहीं सकते। अज मैं स्टेज पर भी किया, अज इत्थे सारे सरदार भगत सिंह दे वारस बैठे ने, सरदार ऊधम सिंह दे, सरदार करतार सिंह सराभा दे, ते मदन लाल ढींगरा दे, माता विद्यावती दे वारस बैठे ने इत्थे। ये आम लोग नहीं है पंजाब तो आए हुए, अज शहीदां दे वारस होके बैठे हुए ने। तुसी देखिया कोई ऐसा अंदोलन तुसी दुनिया च किते वेख्या होवे कि 50 लाख बंदा इकट्ठा होया होवे ते उत्थे कि झरीट ना पई होवे, उत्थे किसे गवर्नमेंट की बिल्डिंग की एक इट ना टुटी होवे, गवर्नमेंट के बस की एक झरीट ना पई होवे, गवर्नमेंट दी ट्रेनां दे शीशे ना टुटिया होवे, एक ऐसा अंदोलन है। क्योंकि इन्होंने दस्या सी गुरु नानक दे पुत्तर हाँ असी शांत रहना जानते हैं, जो कोई साड़ी शांति नू वंगार दे फिर असी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे लाड़ले हाँ, फिर असी सिपाही दो, फिर असी संत भी हाँ तो सिपाही भी हाँ, फिर असी खंडा खड़काउण भी जानते हाँ। पर साड़ी दस्तबस्ता गुजारिश है सरकार नू कि वह किसानों की मजदूर की मंग मने, ये जायज़ मंग है, साडा हक है, असी भीक नहीं मंग रहे, ये साडा हक है, ये सानू देना चाहिए। क्योंकि तुसी मैं हुण भी गल करके हटिया, मेरा स्टाफ है, मेरा मेरे घर दे विच जिन्ने भी मेरे सर्वेंट्स ने या जिन्ने मेरे ड्राइवर ने, मेरे कुक ने, मेरे सारा कुछ है, जे मैं उन्हां दे हक लई कोई कानून बना रहा, उन्हां नूं पता तो होना चाहिए कि मैं तुहाडे लई इह बना रहा कानून, ये तुहानूं तुहाडे बेनीफिट है, ये तुहानूं तुहाडी जिंदगी दे नाल संवरूगी, तुहाडी जिंदगी अजाब तो नहीं बन जाएगी। ये कौन तुसीं बैठ के तुसीं उत्थे लगा के कानून, वह भी लॉकडाउन दे विच के कोई बंदा प्रोटेस्ट ना कर सके, पर वह जानते नहीं पंजाबी आ, असीं प्रोटेस्ट नूं प्रोटेस्ट जिहड़ा करोना ना प्रोटेस्ट जिहड़ा है वह करोने नूं करोना कर देगा, असी वह हाँ जिहड़े करोने नूं करोना करन वाले, असी करोने तो कित्थे डर लोया कर। हाँ, ये पानी दीआं बुछारां की करनगीआं जिहड़े जिहड़े वह सच्चे पातशाह सरसा दे विच अद्धी रात जिहड़े ठिल पए सीगे, अद्धी रात अपने बच्चों नूं लैके ठिल पए सी, बुछारां की करनगे उहनां दे बच्चों नूं। और मैं फिर बेनती करदा कि तुसी प्यार नाल प्यार नाल प्यार नाल साडी दरखास्त है, साडी रिक्वेस्ट, हंबल रिक्वेस्ट है कि किसानां दी मजदूरां दी तुसी गल मन्नो। ये एवें 2-4 दिन लई नहीं आए, ये 2024 तक का राशन लैके बैठे हुए ने, ये अज कल च नहीं जाण वाले। ये जे जो इन की गल मन ली, ये जो मुड़ना तो भी इन्हों हफ्ता लगना मुड़न, तो लोगों मिले हो, लोगों का जज्बा की कह रहे? जज्बा मैं कहना पंजाब दे विच जिहड़े छोटे छोटे बच्चे ने और नन्ने नन्ने हत्थां दे विच किसान मजदूर एकता दे झंडे फड़ी बैठे ने, उन्हां दी पेश नहीं चलदी, उन्हां दी एडी उम्र नहीं है, नहीं तो उत्थों ट्रैक्टर चक्के वह भी इत्थे आउंदे, उन्हां दे खून दा ऐसा जज्बा है, क्योंकि उन्हां दे प्यो दादे इत्थे बैठे हुए ने, असीं सोचदे सानूं क्यों छड्डिया घर, सानूं दिल्ली क्यों नहीं लैके गए। सो ये पंजाबी है, अज हरियाणा साडे नाल है, सानूं मुढ़ तो सानूं पानियों के रौले पा पा के पता नहीं की रौले पा के सानू अलग करके रखिया, अज पता लग गया कि असी तो एक ही हाँ, सानू तो पाड़ो तो राज करो,
ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਦੇਣ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪਰ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸਿਹਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੱਸਣਾ ਹੋਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮਨ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਆ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਆ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ ਨੀ ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਨੀ ਸੁਣ ਲੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਏ ਸਰਕਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਨੀ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਗੰਦੀ ਏ ਸਰਕਾਰੇ